आज हम सभी पांच दिवसीय योग शिविर के पांचवे दिन योगाभ्यास करने के बाद आरोग्य यज्ञ हवन यज्ञ का बहुत विधि पूर्वक हम कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे और यह आरोग्य यज्ञ पूरे दुनिया को आरोग्य देगा, पूरे संसार को निरोग रखेगा और पूरे वातावरण को इतना पवित्र बनाएगा कि हम सभी अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यह जो हवन होगा पूरे ब्रह्मांड की शुद्धि के लिए, पूरे वातावरण की पवित्रता के लिए होगा। तो आइए आज हम सभी भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को, यज्ञ देवता को, हवन देवता को नमन वंदन करते हुए अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करने का भाव रखते हुए हम सभी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो उसके पहले आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओम का उच्चारण। आंखें बंद हो और मैं कुछ मंत्रों का जाप करूंगा और उसका हिंदी में भी पाठ करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा जीवन उस परम पिता परमेश्वर के लिए क्यों समर्पित होना चाहता है या क्यों हम समर्पित होने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आइए आप सभी आंख बंद रखेंगे, सांसों पर ध्यान टिका करके और कान से इन मंत्रों को सुनने का प्रयास करेंगे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जाता परितेक यासित सदाधार प्रथम धामु तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेमा तू ही स्वयं प्रकाश सुजेतन सुख स्वरूप सुख त्राता है सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी योग भक्ति तप द्वारा तुझको पामे हमें अंतरयामी। ओम ययात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमः तू हे आत्मज्ञान बलदाता सुयस्य विश्व जन गाते हैं तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम या प्राण तो निमिषतो महित किद्राजा जगतो बभुव कस्मै देवाय हविषा विधेमः तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है मनुज और पशुओं को रज कर निज महिमा प्रगटाई है अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं अपने भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम येन देवरुग्रा पृथ्वी चंद्रना येन समेत तुम येन नाक अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेमः तारे रवि चंद्रा की दिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वेतान न विश्व जाता नि परिता बभुवा यत कामास्ते जुमस्तुनोऽस्तु वयम् श्याम पतयो रे नामः तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तु ही समाया है जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है।
ओम सन्नोपतजलितास विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वः यत्र देवा अमृत मानसा धृते ध्याम दरियंतः तू गुरु है प्रजेश भी तू है पाप पूर्ण फल दाता है तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है तू है अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्ने न सुपथा राय अश्मान विश्वानी देव नानी विद्वान यो युद्ध मजुरान मेनो भोषांते नम उक्ति विधेमा तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार तू ही रसना निच दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की गंगा मैया की योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मरदा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की सूरज भगवान की जय चंद्र भगवान की जय धरती माता की जय जन्म देने वाले माता पिता की जय सभी ग्रामवासियों की जय उपस्थित नर नारियों की जय ओम हर हर महादेव शिव शंभो ओम।